2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंचेंगी और वहां प्रतिज्ञा रैली में हिस्सा लेंगी, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी आज चुकी बात की जाए तो मुरादाबाद पहुंचने वाली है और यहां पर प्रतिज्ञा रैली में हिस्सा लेंगी, साथ ही जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रही है प्रियंका गांधी। जेपी शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, आज प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंचने वाली है, वहां पर किस तरह की तैयारी है और क्या अपडेट है? देखिए, मैं बता दूं, प्रियंका गांधी 11 बजे के आसपास यहां पर पहुंचेंगी और पहले वो हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस आएंगी और उसके बाद वो प्रतिज्ञा रैली को यहाँ पर संबोधित करेंगे। और देखिए, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए है क्योंकि पश्चिमी यूपी का प्रियंका गांधी का ये पहला दौरा रहेगा, क्योंकि लगातार वो वाराणसी या गोरखपुर या पूर्वांचल के इलाकों में तो दौरा कर रही थी, लेकिन वो इस बार पश्चिमी यूपी को साधने के लिए आ रही है और काफी दिनों से प्रस्तावित था। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मेरठ से वो चुनावी पश्चिमी यूपी के अंदर चुनावी रथ को शुरुआत करेंगे, लेकिन अब वो मुरादाबाद आ रही है और मुरादाबाद खास इसलिए भी है क्योंकि मुरादाबाद देखिए तो उनकी ससुराल है, क्योंकि उनका अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की तो रॉबर्ट वाड्रा का वो पैतृक शहर है मुरादाबाद और मुरादाबाद से ही वो चुनावी हुंकार भरेंगी जहां कार्यकर्ताओं को वो प्रतिज्ञा रैली के जरिए संबोधित करेंगी। यानी कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम उनका वहां पर रहने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका जेपी तमाम जानकारी साझा करने के।